बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हीं, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हीं, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। और अंतर्मुखता का रहस्य बहुत अच्छा है। आप देखो अंतर्मुख कहते हैं, मुख क्यों कहते हैं? अंतर मन भी कहते हैं, अंतर्मुख भी कहते हैं, हर्षत मुख कहते हैं। मुख शब्द क्यों कहते हैं? कारण अंतर्बाह नहीं कहते हैं, अंतर्माथा नहीं कहते हैं, अंतर्मुख क्यों कहते हैं? मुख फेस को कहा जाता है। और मुख शब्द क्यों कहा जाता है, अंतर्मुख की महिमा क्यों है? आप देखो इस फेस में जो भी हमारी पांच शक्तियां विशेष है ना, वो इसमें है। सोचो देखो, निर्णय शक्ति है, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, खाने पीने की शक्ति कहाँ है? बाह में है। किसमें है सर्व शक्तियां? फेस में है ना। तो इसको फेस को कहते हैं मुख। तो अंतर्मुख अर्थात जो भी मेरी शक्तियां है ना, वो सर्व शक्तियां आत्मक रूप में स्थित हो, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी। सभी शक्तियां और विशेष आपके फेस की पांची शक्तियां अगर आपने जीत लिया, समझो आप विजयी है। क्योंकि मुख्य तो यही है ना शक्तियां। अगर आसक्ति होती है तो मुख से होती है ना, खाने पीने की मुख से होगी ना, सुनने की आदत होती है, सुनती रहूं, गीत सुनती रहूं, किसकी बातें सुनती रहूं, कान भी इधर है, सोचती रहूं फालतू, सोच भी यही है, देखती रहूं तो आंखें भी यही है, धोखा तो यही देती है ना। इसीलिए बाबा कहता है, हमारा स्लोगन है अंतर्मुखी सदा सुखी। ये स्लोगन है हमारा। जो अंतर्मुखी होगा यानी पांच ही विशेष शक्तियां आत्मक रूप में स्थित होंगी। अंदर हमारा क्या है? आत्मा ही तो है ना। तो अंतर्मुखी माना पांच ही शक्तियां हमारी आत्मक रूप में स्थित होंगी। इसको कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उसको कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया आई नहीं सकती ना, इसी द्वारे, यही द्वारे है माया के भी। तो ये दरवाजे सारे बंद कि थोड़ा थोड़ा खोल के छोड़ देते हो, होता है कभी। एक बारी क्या हुआ, सदा ही हम लखनऊ में रहते थे, सदा रात को दरवाजा बंद करते थे। एक दिन क्या हुआ, हम लोग पता नहीं बातों में सो गए या क्या हुआ, दरवाजा बंद ही नहीं किया, तो सचमुच चोर आ गया। हमने कहा हम तो सदी दरवाजा बंद करते हैं, फिर ये आया कहाँ से, कुछ किया नहीं। उस बेचारे को दूसरे घर में जाना था, लेकिन दूसरे घर का दरवाजा बंद था, हमारा बाय चांस खुल गया था, तो वहां से आया और भाग के दूसरे जगह गया, हमको कुछ नहीं किया। लेकिन देखो आ तो गया ना, समझो कुछ कर लेता तो हमको क्या है, दरवाजा हमने ही खोला ना, गलती तो हमारी। तो हम भी कभी कभी अलबेलेपन में क्या कर देते हैं, कोई ना कोई शक्ति अपनी कम कर देते। ये दरवाजा खुल गया,
कोई ना कोई गुण कम कर देते, ये दरवाजा खुला। सर्व संबंध में से एक न एक संबंध दूसरी कोई आत्मा से जोड़ा हुआ होता है, वहां बुद्धि जाती रहती, दरवाजा खुला। माया को आने का चांस है, उसको तो आपने वेलकम कर दिया, आवाहन कर दिया, हाँ भाई दरवाजा खुला हुआ है आओ, तो वो तो आएंगी, चाय पानी भी पिएंगी, आपको निकालना ही मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, एनर्जी जाती है, टाइम वेस्ट जाता है। इसीलिए ये तीन ही बातें जो है ना, वो विशेष ध्यान में रखो। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद है, डबल लॉक, डबल लॉक है, एक बाबा की याद और दूसरी मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। तीनों में से कोई भी सेवा में बिजी रहो, चाहे आपको मधुबन का या सेवा केंद्र का कर्मणा सेवा भी मिले ना, तो भी अपने मन को बिजी रखो। हमने देखा है मन बुद्धि अगर थोड़ा भी खाली होता है ना, तो माया को चांस मिलता है। कम से कम व्यर्थ संकल्प तो, जैसे वो दरवाजे के यहां इंतजार कर रहे हैं, खड़े ही है, व्यर्थ संकल्प, कोई अर्थ भी नहीं होगा। अगर पूछेंगे ना किससे तुमने ये क्यों बोला, क्यों किया ये, कहेंगी दादी मेरा मन में संकल्प ही नहीं था, मेरी भावना ही नहीं थी, मेरा भाव ही नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। क्यों हो गया, अलबेलापन। तो ऐसे वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, ये हमारी बहुत जाती है। और अगर हम इस एनर्जी को नहीं बचाएंगे, तो आप सोचो सारे कल्प की एनर्जी, प्रालबुद्ध बनाने की एनर्जी अब भी हमको इकट्ठी करनी। सत्युग में आपको जो किया है वो पाना है, बस आराम से जो बैंक बैलेंस है उसको खाना है, कुछ कमाना नहीं है। और द्वापर में आपको पूज्य बनना है, वो भी इसी हिसाब से, जो संगम पर पवित्र बने होंगे, सर्वगुण संपन्न बने होंगे, इतनी आपकी पूजा होगी। तुम्हारे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह रह कर चमक जाती है जो बिजली, तुम्हारे प्यार से बाबा।